नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन और बुलबुलिया 3 के रिव्यूज को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रिव्यूज कैसा है कि अभी कोई स्पेशल स्क्रीनिंग की तो रिपोर्ट थी नहीं जब मैंने वीडियो बनाया था कि कोई स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है फिल्म की, और ऐसा शायद कल शायद फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हो सकती है कल या परसों। तब जो रिव्यूज आएंगे क्रिटिक्स के, उनको वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो ज्यादा मतलब एक ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि वो फिल्म देखने के बाद में आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो रिव्यू चल रहे हैं, जो ट्विटर पे रिव्यू चल रहे हैं, जो सेंसर बोर्ड के नाम से रिव्यूज चल रहे हैं, जो कई यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि ये रिव्यूज आ गया, वो रिव्यूज आ गया, फर्स्ट रिव्यू आ गया, तो मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिव्यूज गलत है या 100% सारे के सारे फेंक है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक हद तक विश्वास किया जा सकता है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी ऑथेंटिसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि इन रिव्यूज को आप पढ़ोगे, अच्छी तरह से स्टडी करोगे, देखोगे, तो आप मालूम करोगे कि कुछ रिव्यूज 4 स्टार 3.5 स्टार 2-4 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं। वहीं कुछ रिव्यू ऐसे जो 1.5 स्टार भी दे रहे हैं, कुछ रिव्यू ऐसे भी है जो बिल्कुल बकवास फिल्म बता रहे हैं, चाहे वो सिंघम हो या फिर बुलबुलिया 3 हो। तो यहाँ पे हेटर्स भी है और ये 22 रिव्यूज है, ये मतलब पूरी तरह से निष्पक्ष रिव्यूज मुझे नहीं लगते कि बिल्कुल पूरी तरह से ये बिना मतलब एकदम ओरिजिनल एक ऑनेस्ट रिव्यू जिनको बोलते हैं ना कि वैसे ऑनेस्ट रिव्यूज ही आए हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हालांकि कुछ रिव्यूज फटने पर लगते हैं कि ऑथेंटिक है, क्योंकि वहाँ पे विजुअल्स की भी बात की गई है, VFX की भी बात की गई है, कलाकारों के परफॉर्मेंस की भी बात की गई है, कुछ कहानी के बारे में भी बात की गई है, सलमान के कैमियो के बारे में भी बात की गई है, भूलभुलैया के भी कई पक्षों की बात की गई है कि ये मतलब माधुरी और विद्या का रोल के साथ कितना पावरफुल है, किसका जबरदस्त है, रू बाबा का कैसा रोल है, तो कई एस्पेक्ट्स पर बात की गई है। और कई रिव्यू ऐसे जिसमें खाली लिख दिया कि ब्लॉकबस्टर फैंटास्टिक जबरदस्त शानदार है, जोरदार है, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, ऐसा तो उसमें क्या विश्वास करें हम, क्या मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है, कंटेंट की बात नहीं है, विजुअल्स की बात नहीं है, VFX की बात नहीं है, डायलॉग्स की बात नहीं है, तो एक दो लाइन के रिव्यू से क्या अंदाजा लगाए हम। लेकिन फिर भी अपन एक ओवरऑल एक मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला, जो एवरेज जो मैंने निकाला इन सभी रिव्यूज का, तो उससे मेरे एक बात समझ में जरूर आई कि दोनों ही फिल्में, चाहे फिल्म की हैकर्स ही क्यों ना हो, मतलब दोनों ही फिल्मों के जो रिव्यूज है वो बहुत बेहतरीन आए हैं, पॉजिटिव रिव्यूज है ज्यादातर के, और एवरेज 3.5 स्टार to 4 स्टार रेटिंग में मिली है। तो इसका मतलब लगता है कि दोनों ही फिल्में जबरदस्त चलने वाली है, मास एंटरटेनिंग मूवीज है। नरसिंघम बहुत ही जबरदस्त एक्शन, विजुअल्स, डायलॉग से भरपूर मूवी बताई गई है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कलाकारों की बताई गई है। वही दोस्तों बुलबुलिया 3 को बताया गया कि जबरदस्त हॉरर कॉमेडी, मतलब फिल्म डराने में भी कामयाब है, हंसाने में भी कामयाब है, और माधुरी दीक्षित का विशेषकर उल्लेख किया गया कि बहुत उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है फिल्म में, गाने जबरदस्त है और कार्तिक आर्यन भी प्रभावित करते हैं, हालांकि अक्षय कुमार की कमी खलती है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जो ये होता था कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा आपके हिसाब से इन रिव्यूज पे आप कितना विश्वास करते हैं और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल धमाल करने वाली है। शूटिंग में तो फिलहाल जब मैंने वीडियो बनाया था तब भूलभुलैया आगे थी, लेकिन वो पहले शुरू भी हुई थी, मत भूलना, सिंघम के शूटिंग बाद में शुरू हुई। अब देखते हैं सिंघम कितनी जल्दी इस लीड को कम करता है या भूलभुलैया 3 से आगे निकलता है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।